माया जब यूके पहुंची तो देर रात हो चुकी थी। सिंह मेंशन पहुंचते पहुंचते उसे सुबह के 3 बज चुके थे। तब तक मिस्टर सिंह के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। उनकी सजी हुई अर्थी को देखकर माया को खुद पर कंट्रोल नहीं हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत मुश्किलों से वहां मौजूद लोगों ने उसे हटाया और उन्हें लेकर अंतिम संस्कार के लिए चले गए। सिंह मेंशन के लंबे चौड़े एरिया में आज दूर दूर तक खामोशी फैल गई थी। रोते रोते जब उसका दिल नहीं भरा तो फिर वह रोहन की समाधि के पास जाकर काफी देर तक यूं ही खामोश बैठी रही। आज सिंह परिवार अधूरे तौर पर खत्म हो चुका था। माया शाम ढले जब अंदर अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि हर चीज आज भी वैसे ही रखी हुई थी। आज से 5 साल पहले किसे पता था इतना हंसता खेलता घर कुछ ही सालों में बिल्कुल वीरान पड़ जाएगा। अभी माया अपने सोच में गुम ही थी कि तभी उसे बंद दरवाजे के नीचे से कुछ आहट सुनाई दी। माया ने उचक कर जब नीचे देखा तो वहां से उसे एक सफेद एनवलप गिरा हुआ देखा। वो उठकर जल्दी से दरवाजे के पास आई और दरवाजा खोलते हुए पूछा, कौन है? लेकिन कॉरिडोर में यहां से वहां तक पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। माया दोनों तरफ देखते हुए झुकी और उसने वो एनवलप उठा लिया। उस एनवलप पर एक अजीब सी स्माइली बनी हुई थी। आखिर किसने भेजा होगा ये, मन ही मन सोचती हुई माया ने उस एनवलप को खोला तो उसमें एक कागज का टुकड़ा झांकता हुआ नजर आया। माया ने जल्दी से उस नोट को खोला तो अंदर बोल्ड लेटर्स में लिखा था, वेलकम टू यू के माया, अब यहाँ आ गई हो तो सारे हिसाब बराबर करके ही जाना, योर वेल विशर। कुछ लफ्जों में लिखे इस नोट को देखकर न जाने क्यों माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका ध्यान बार बार इसी तरफ जा रहा था कि आखिर ये नोट किसने भेजा होगा, लेकिन काफी देर सोचने के बाद भी हर बार उसके मन में बस एक ही नाम आ रहा था और वो नाम था सोफिया। ये काम सोफिया के अलावा और कोई का नहीं हो सकता। उसे इस बात का अंदेशा बहुत पहले से था कि मिस्टर सिंह के कुछ भी होने के बाद सोफिया फिर फ्रंट फुट पर आकर अपना गेम खेलेगी। आखिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए ही तो उसने रोहन के अफेयर के साथ शादी का ड्रामा किया था और इसमें उसका पूरा गैंग शामिल था। वो लोग इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इतनी आसानी से नहीं जाने देते। माया अभी भी वहीं खड़ी होकर उस नोट के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने मिस्टर सिंह की असिस्टेंट खड़ी थी। माया ने देखा कि उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने धीरे से माया की तरफ कुछ पेपर्स बढ़ाते हुए कहा, मैम अपनी आखिरी सांस लेते वक्त मिस्टर सिंह ने आपको ये देने के लिए कहा था, बाकी की डिटेल्स एडवोकेट स्मिथ कल आकर बता जाएंगे। माया ने बिना कोई सवाल किए उन पेपर्स को थामकर थैंक यू कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। माया वापस बेड पर आकर उन पेपर्स को एक एक करके देखने लगी। उन पेपर्स में स्टाफ और मेंशन के बाकी लोगों के लिए कुछ अमाउंट का डिस्क्रिप्शन था, जबकि उनमें से एक पेपर पर मिस्टर सिंह का उसके नाम पर लिखा हुआ एक लेटर भी था। माया को कुछ कुछ अंदाजा था कि उसमें क्या लिखा होगा, लेकिन फिर भी उसने कांपते हाथों से वो लेटर खोलकर देखा। डियर माया, इस बार बीमार पड़कर मुझे ये अच्छे से एहसास हो चुका है कि अब मेरी सांसें कुछ ही दिनों के लिए बची हैं। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें पहले ही बुलाकर प्रॉपर्टी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। अब बस कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम जितने साल भी मेरे पास रही एक बेटी से बढ़कर प्यार और अपनापन दिया तुमने मुझे। मैं और रोहन तुम्हारे कुछ भी एहसान नहीं भूल पाएंगे। भले ही तुम्हें ये लगता हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन सच तो ये था कि कदम कदम पर तुमने मुझे और रोहन को उम्मीद भरी जिंदगी दी थी। वो कुछ सेल्फिश निकला जो हम दोनों के बारे में सोचे बगैर इस दुनिया से चला गया। इतना पढ़कर माया की नजरें जैसे धुंधला सी गई। उसने अपनी हथेलियों के बैग से अपने आंसू पोंछे और फिर आगे पढ़ने लगी। लेकिन मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे और ओमी के बारे में सब कुछ पहले से तय करके जा रहा हूँ। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं तुम्हारे सुपुर्द शायद एक बहुत बड़ा खतरा भी कर चुका हूँ। मुझे मालूम है कि सोफिया इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए अब बेहद जरूरी है कि तुम उससे ओमी और अपने आप को हमेशा बचा कर रखो, खासकर तब जब तक कि वो ये सब कुछ समझने के लायक नहीं हो जाता। अपना ख्याल रखना। मिस्टर सिंह का ये लेटर पढ़कर माया की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे।
अभी अभी जो सफेद लिफाफा उसे मिला था उससे ये साफ जाहिर था कि मिस्टर सिंह का अंदेशा गलत नहीं था। सोफिया यहीं कहीं थी और उन पर नजर रखे हुए थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा हुआ जो मैं ओमी को अपने साथ नहीं लेकर आई, वरना ये लोग उसे नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आते। शायद मिस्टर सिंह इस खतरे को पहले ही भांप चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपनी असिस्टेंट को पहले ही ये गाइडलाइन दे दी थी कि माया यहां ओमी को लेकर ना आए, जो कि वो फोन पर ही माया को बता चुकी थी। बहुत ज्यादा थके होने की वजह से माया को पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई और वो उन पेपर्स को हाथ में पकड़े हुए ही सो गई। सुबह माया की आंख अर्जुन के फोन कॉल से उठी। उसने अधखुली आंखों से स्क्रीन पर अर्जुन का नाम देखा तो जल्दी से कॉल पिक करते हुए हेलो कहा। अर्जुन उसकी आवाज सुनते ही एकदम बेचैनी से बोला, माया कहाँ हो तुम? मैं कल से तुम्हारे फोन पर कॉल कर रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है। अभी मुझे मैसेंजर का ख्याल आया तो मैंने इसलिए तुम्हें इस पर कॉल किया। सब ठीक तो है? माया ने उठकर बहकते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं है मिस्टर रॉय, मैं यूके में हूँ। मिस्टर सिंह की डेथ हो गई है इसीलिए मुझे यहाँ अचानक से आना पड़ा। माया के मुंह से फोन ना लगने की वजह जानकर अर्जुन ने एकदम सीरियस लहजे में कहा, ओ आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो मुझे घबराहट सी होने लगी। इट्स ओके मिस्टर रॉय, वैसे आकाश सर कैसे हैं अभी? डैड ठीक है माया, अभी कुछ दिनों तक डॉक्टर जरूरी टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सारी जरूरी प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद ये लोग ऑपरेशन करने वाले हैं। हालांकि ऑपरेशन तो जल्दी हो जाना चाहिए लेकिन डैड को पूरी तरह से क्योर होने में कम से कम 3 महीने का वक्त तो लगेगा ही। माया इतने दिनों के बारे में सुनकर कुछ बुझ सी गई, उसके मुंह से बरबस निकला, 3 महीने? अर्जुन उसके इस तरह रिएक्ट करने की वजह समझ गया था इसीलिए उसे समझाते हुए बोला, डॉक्टर ने कह दिया है कि हम ऑपरेशन के बाद पेशेंट को वापस इंडिया लेकर जा सकते हैं, लेकिन जब तक डैड पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं उन्हें वापस इंडिया ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम समझ रही हो ना वहां उनके लिए कितना खतरा है? माया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ लेकिन फिर ऑफिस और शनेल का प्रोजेक्ट? मेरे लिए डैड की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है माया, और वैसे भी मैं यहाँ से वीडियो कॉल के थ्रू सब कुछ ओवरव्यू करता ही रहूंगा, और फिर वहां के ऑफिस के लिए दीपक तो है ही। माया ने उसकी दलीलें सुनी तो मायूस होते हुए कहा, आपने सही सोचा है मिस्टर रॉय, डैड की तबीयत जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो जाती तब तक वहां से आने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अर्जुन उसकी मायूस लहजे को अच्छे तरीके से समझ गया था इसीलिए उसने जल्दी से कहा, और हाँ रहा सवाल हमारे मिलने का, तो मैं तुमसे इतना कोऑपरेशन तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि तुम हर रात मुझे वीडियो कॉल पर सुकून से सोने का मौका दोगी, है ना? कहते कहते अर्जुन के लहजे में कुछ शरारत सी उतर आई थी। उसकी बातें सुनकर माया के होठों पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे, तभी माया के दरवाजे पर दस्तक हुई तो माया ने उससे कहा, अब मैं रखती हूँ, शायद बाहर कोई मुझे बुला रहा है। फिर दोनों ने एक दूसरे को बाय कहकर कॉल रख दिया। माया ने दरवाजा खोला तो सामने मिस्टर सिंह की असिस्टेंट खड़ी थी। उसने माया को बताया कि बाहर मिस्टर स्मिथ आए हुए हैं। माया ने सपाट लहजे में कहा, आप उन्हें बैठने के लिए कहिए, मैं बस 5 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। कहकर उसने दरवाजा बंद किया और वॉशरूम में चली आई। जल्द ही फ्रेश होकर वो मिस्टर स्मिथ के सामने मौजूद थी। सिंह परिवार के फैमिली एडवोकेट होने के नाते वो फाइनली प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने आए थे। माया भी सब कुछ निपटा कर जल्द से जल्द इंडिया वापस चले जाना चाहती थी, क्योंकि उसे यहाँ के माहौल में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, खासकर उस सफेद एनवेलप के मिलने के बाद। मगर उसे मिस्टर सिंह की कंडोलेंस मीटिंग तक रुकना था जो कि कुछ ही घंटों में होने वाली थी। माया ने यहाँ से आज रात ही निकलने का फैसला कर लिया था ताकि रात के अंधेरे में उसके जाने की खबर सोफिया को ना लगे। ध्रुव सुबह काफी देर से उठा था। कल कोमल के एक्सीडेंट से लेकर अपनी एंगेजमेंट रुकने तक सब कुछ उसने काफी मजबूती से झेला था, सिर्फ इसीलिए ताकि दादी माँ और माँ उसे परेशान देखकर टेंशन में ना आ जाए। वो अभी उठकर अपना फोन देख ही रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वो उठकर बैठते हुए बोला, कम इन। उसके इजाजत देते ही दरवाजा खोलकर रुचि अंदर आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग भाई, ये लीजिए पेश है आपके लिए गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी। ध्रुव ने एकदम खुश दिली से कॉफी का मग थामते हुए थैंक यू कहा और फिर बोला, माँ और दादी माँ ठीक है?
उसके सवाल पर रुचि ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ दोनों ठीक है, मगर वो लोग आपके लिए परेशान है कि कहीं आप इस बात से ज्यादा टेंशन में तो नहीं है। ध्रुव ने कहीं शून्य में निहारते हुए कहा, यह तो नहीं कहूंगा कि मैं परेशान नहीं हूं, मगर मुझे टेंशन सिर्फ कोमल को लेकर है। कल से उन्होंने ना तो कोई कॉल रिसीव किया है और ना ही वो खबर देने के बाद हमें फिर से कॉन्टेक्ट करना जरूरी समझे हैं। पता नहीं ये सारी बातें मुझे नॉर्मल नहीं लग रही, कहीं तो कुछ ऐसा है जो वो लोग हमसे छुपा रहे हैं। उसकी बात सुनकर रुचि ने भी कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, कुछ वियर्ड सा बिहेव तो किया है उन्होंने, लेकिन हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। वो तो शुक्र मनाइए भाई कि हमने ऑफिशियली ये एंगेजमेंट अनाउंस नहीं की थी, वरना खुद को संभालने से ज्यादा अभी हमें ये टेंशन होती कि मीडिया और बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे। ध्रुव ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, वाकई तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई होती। रुचि दरअसल यही देखने आई थी कि ध्रुव कहीं उस बात को लेकर टेंशन में तो नहीं बैठा, लेकिन उसे ऐसा देखकर काफी सुकून महसूस हुआ और वो बिल्कुल नॉर्मल था। वक्त ने जैसे हर एक की जिंदगी में अचानक से करवट ली थी, और वक्त की इस करवट का सभी की जिंदगी में क्या असर होना था ये उन सभी को आने वाले कुछ ही दिनों में पता चलने वाला था। अर्जुन आकाश जी के साथ बैठा उन्हें ब्रेकफास्ट करा रहा था। यहाँ न्यूयॉर्क में ये घर उन्होंने रेंट पर ले रखा था। अर्जुन उन्हें एप्पल के पीसेस बढ़ाता हुआ बोला, आप अपनी डाइट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं डैड, याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है, जितनी अच्छी डाइट आप लेंगे उतनी जल्दी रिकवर करेंगे, लेकिन आप हैं कि कुछ खाना ही नहीं चाहते। आकाश जी ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, 3 महीने हो गए हमें यहाँ आए हुए और तुम मुझे हर रोज यही कह कहकर हर चीज खिलाए जा रहे हो, अब तो ऑपरेशन हुए भी 2 महीने हो गए, अब और कितना रिकवर कराओगे यार मुझे। अर्जुन ने धीमे से हंसते हुए कहा, मैं आपको पहले की तरह देखना चाहता हूँ डैड, और मैं चाहता हूँ कि जब हम इंडिया जाएं ना तो एकदम आप फिट होकर मेरे साथ चलें। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, अब मैं वापस इंडिया जाना चाहता हूँ, वहाँ अनुश्री इस हाल में एकदम अकेली है, उसे कितना बुरा फील होगा, अभी उसे इमोशनल और मेंटल सपोर्ट की कितनी जरूरत है, ये तो तुझे भी पता है ना। उसकी परेशानी सुनकर अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और बोला, वो अकेली कहाँ है डैड, हमने नौकरों की पूरी एक फौज उसके साथ रख छोड़ रखी है, एम्बुलेंस से लेकर डॉक्टर सब लगातार उसके कांटेक्ट में हैं, फिर उन्हें क्यों बुरा फील होगा। आप यहाँ US छुट्टियां मनाने तो नहीं आए हैं, अपनी बीमारी का इलाज करवाने आए हैं ना, फिर ये गिल्ट क्यों डैड। आकाश जी ने एकदम सीरियस होकर जवाब दिया, सारी फैसिलिटी होने के बाद भी तुम यहाँ पिछले 3 महीनों से मेरे साथ हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे लिए तुम्हारा मेरे पास होना कितना जरूरी है, तुम्हारी कमी बेस्ट हॉस्पिटल या बेस्ट सपोर्टिव स्टाफ पूरी नहीं कर सकते, तो फिर मैं अनुश्री को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। आकाश जी की इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो सिर झुकाए उनकी बात सुनता जा रहा था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसके हेलो कहते ही उधर से आवाज आई, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल से अनुश्री मैम की डॉक्टर बोल रही हूँ आस्था, क्या मेरी बात आकाश रॉय से हो सकती है। फोन की वॉल्यूम हाई होने की वजह से बगल में ही बैठे आकाश जी ने सब सुन लिया था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को बिना कुछ कहे फोन उसके हाथ से लिया और बोला, यह डॉक्टर आस्था, आकाश रॉय स्पीकिंग। उधर से डॉक्टर की आवाज आई, सर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से हमें उन्हें 2 घंटे पहले ही एडमिट करना पड़ा, और अभी अभी उन्होंने एक प्रीमेच्योर बेबी बॉय को जन्म दिया है, फिलहाल दोनों ठीक है। आकाश जी ने उसकी पूरी बात सुनकर उसे थैंक यू कहा और फोन रख दिया। अर्जुन भी पूरी बात सुन चुका था, उसने महसूस किया कि उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने अर्जुन का हाथ थामा और बोला, मुझे वापस जाना है, मेरे लिए प्लीज टिकट और अरेंज करवा दे बेटा। अर्जुन उनके चेहरे की खुशी देखकर खुद भी काफी खुश था, उसने आकाश जी के कांपते हुए हाथों को चूम कर कहा, श्योर डैड अभी करवाता हूँ।